राजकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार से चल रही 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन छात्राओं ने सरस्वती वंदना के बाद स्वयं सेविकाओं ने रैली के रूप में ग्वारिया बस्ती के लिए प्रस्थान किया। रैली को प्राचार्य डॉक्टर सुधा सुखपाल श्रृंगी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस्ती में स्वयं सेविकाओं ने रीना खान, दिव्या कुमारी, कोमल, शिवानी व पूजा के नेतृत्व में 5 समूहों में विभाजित होकर बस्ती में सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालिका शिक्षा, बाल श्रम आदि से जागरूक करने के लिए दीवारों पर स्लोगन कर वह पेंटिंग बनाकर बुराइयों से बचने का संदेश दिया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर मनोज चोपड़ा ने बताया कि ये शिविर 26 दिसंबर तक जारी रहेगा। शिविर के बौद्धिक सत्र में प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार गोयल ने विकसित भारत एवं संकल्प यात्रा पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर डॉक्टर उमा शर्मा ने स्वयं सेविकाओं को माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करने व देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया।